आगे। से मोतिहारी जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रौंद कर 3 बच्चों की ली जान। बेतिया जीएमसीएच में 2 जख्मी का इलाज जारी, 1 गंभीर रूप से घायल बच्चा पीएमसीएच पटना रेफर। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग में मारुति सुजुकी शोरूम के पास तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने आधा दर्जन स्कूली बच्चों को रौंद डाला, जिसमें 3 बच्चों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, बाकी 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 2 घायल बच्चों का इलाज जीएमसीएच अस्पताल बेतिया में ही किया जा रहा है और 1 गंभीर रूप से घायल बच्चे को पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं मृत बच्चों के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जीएमसीएच अस्पताल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना करीब 3 बजे अपराह्न के आसपास की बताई जाती है। बेतिया से जा रही एक स्कॉर्पियो विपरीत दिशा से आ रही बच्चों को, जो कि मोटरसाइकिल और साइकिल पर सवार थे, रौंद कर मोतिहारी जाने की तरफ भाग गई। मृत बच्चों की पहचान मुफस्सिल थाना के पोखर भिंडा के गोपाल राम उम्र 19 वर्ष, पिता सुदर्शन राम, अर्जुन कुमार उम्र 14 वर्ष पिता कंचन राम, लालजी कुमार उम्र 15 वर्ष पिता सुदर्शन राम के रूप में हुई है। वहीं जख्मी सुदामा कुमार पिता छोटेलाल राम पोखर भिंडा का इलाज जीएमसीएच अस्पताल बेतिया में चल रहा है। गंभीर रूप से घायल मनजीत राम पिता रामायण राम की हालत नाजुक देखते हुए पीएमसीएच पटना बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस घटना में सेखौना चुड़ियरवा के यूनिस उम्र 40 वर्ष पिता मोहम्मद इब्राहिम के रूप हुई है, जो कि साइकिल सवार था। इनका भी इलाज जीएमसीएच बेतिया में चल रहा है। इस घटना के बाद मुफस्सिल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डायल 112 की गाड़ी से घायलों और मृत बच्चों को जीएमसीएच पहुंचाया। मुफस्सिल पुलिस अपने अग्रतर कार्रवाई में जुटी देखी गई। वहीं घायल मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि वो साइकिल से था और एक ही मोटरसाइकिल पर ये 5 बच्चे सवार थे, जो कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के सामने अपना संतुलन खो बैठे और उनमें ठोकर मारकर स्कॉर्पियो के चपेट में आ गए। न्यूज 9 टाइम्स। आज करीब 3 बजे मुफस्सिल थाना अंतर्गत मोतिहारी की तरफ जाने वाले एनएच पे एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो द्वारा कुछ बच्चे को टक्कर मारने की बात सामने आई है। उसमें 4-5 बच्चे कैजुअलिटीज उसमें हुई है, उसमें 1-2 के मृत होने की सूचना मिल रही है, जिसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन 2 की मृत होने की सूचना मिली, बाकी का इलाज अभी जीएमसी में चल रहा है। गाड़ी का कुछ पता चला है? नहीं, गाड़ी का पता भी नहीं चला। कुछ गाड़ी का पता नहीं चला? नहीं, गाड़ी का पता नहीं चला। गाड़ी का पता करने के लिए सर क्या सीसीटीवी वगैरह हम लोग चेक करवा रहे हैं इसके।